वेलकम टू फ्रैक्चर यादव से चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो है हमारी जेट थिकनेस एंड प्लेनर, जिसमें दोनों काम होते हैं, प्लेनर भी है और लकड़ हमारी गेज में से भी निकलती है। तो दोस्तों ये मैंने 2019 में मैंने ली थी, और ये मैंने कितने की ली थी, कहाँ से परचेज की है, तो आप लोगों को कहाँ से खरीदनी है ये मैं वीडियो में बताऊंगा। वीडियो से शुरू से लेकर एंड तक आपने बने रहना है। दोस्तों काफी कारपेंटर भाइयों के कमेंट आते थे कि हमें कोई ऐसी मशीन बताओ, जैसे हिल इलाके में रहते हैं कि बड़ी मशीनों का हमारा वेट ज्यादा होता है, कम से कम 100-100 किलो की होती हैं, वो नहीं लेके जा सकते। इसका जो सा वेट है दोस्तों, ये 28 किलो के करीब है। इसको मैं 2.5-3 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं आपसे मैं साझा करता हूँ, तो मैं इसकी पूरी वीडियो बताऊंगा। तो इसके साथ हमें क्या क्या चीजें मिलती है वो भी मैं बताऊंगा आपको। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इस मशीन के साथ हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। ये देखिए, दो तो हमें ये मिलते हैं वुडन को आगे धकेलने के लिए, ठीक है, और एक हमें ये मिलता है कि जैसे हम ब्लेड वगैरह बांधते हैं उसकी लेवल देखने के लिए, और ये मिलता है हमें ब्लेड के ऊपर सर्विस के लिए, ठीक है, भी सेफ्टी के लिए मिलता है, ठीक है, और ये हमारा मिलता है डस्ट के लिए, क्योंकि जब तक हम इसको नहीं लगाएंगे मशीन हमारी ऑन नहीं होती, ये भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों 2 मीटर हमें इसके साथ वायर मिली है, काफ़ी हैवी ड्यूटी वायर है, काफ़ी अच्छी वायर है। अब हम इसको ऑन ऑफ करते हैं, मशीन को चालू करते हैं। यहाँ से मैं इसको ऑन कर रहा हूँ दोस्तों, ये तो चली नहीं। दोस्तों आप वीडियो ध्यान से नहीं देखते, सबसे पहले कमेंट करो ये मशीन चली क्यों नहीं, ऑन क्यों नहीं हुई। क्योंकि ऑन इसलिए नहीं हुई, ये हमने डस्टिंग का नहीं लगाया इसके ऊपर। ये डस्टिंग का लगेगा जब तक, ये जितनी भी इंपोर्टेड मशीनें होती हैं, जब तक इसमें डस्टिंग का नहीं लगेगा जब तक ये चलेगी नहीं, क्योंकि ये USA का ब्रांड है, और आपको सामने लिखा भी आ रहा होगा सतीश कुमार चांदना, ठीक है दोस्तों, जिनसे मैंने परचेज की है, तो फोन नंबर भी सामने आ रहा होगा इनका, ऊपर स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा होगा, तो आपने वहां जाके कॉन्टैक्ट कर लेना। तो दोस्तों हमने सबसे पहले ये लगाना है, ठीक है, डस्टिंग का लगाना है, क्योंकि ये समझ लो ये मशीन का ताज है। अगर ये डैमेज हो गया तो आपकी मशीन नहीं चलेगी, ये मशीन का ताज है। मेरा डैमेज भी हो गया तो भी मैंने उसको बड़े संभाल से रखा हुआ है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे फिट होगा। दोस्तों डस्टिंग का क्या है, जब तो हमने ऊपर से रंधा मारना है तो ये नीचे की तरफ लगेगा, जब हमने गेज में से निकालना है तो ये हमारा ऊपर की तरफ लगेगा ऐसे, ठीक है, ये डस्टिंग के बगैर चलेगी नहीं। पहले मैं क्या करता हूँ, पहले नीचे की तरफ लगाता हूँ, फिर इसको ऊपर से हम प्लेनर मारेंगे, ठीक है। इसके लिए हमें ये है, ये इसका कम बढ़ती करने के लिए होता है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जिसमें से हम गेज में से निकालते हैं, ये मैंने इसको डाउन कर दिया, बिल्कुल डाउन कर देना जब हमने इसमें लगाना है, और बड़े ध्यान से आपने वीडियो देखनी है। तो ये हमारा इस तरीके से लगेगा, ये हमारा ये नीचे की तरफ है, इसमें 3 होल दिए हुए हैं, एक वन ये रहा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, दोनों है। तो हमने इसके नीचे ये ऐसे करके फंसाना, ये टेढ़ा करके आएगा, ये देखो ये करके ऐसे, और हमने इसको यहाँ लगा देना है, यहाँ आ गया हमारा। जब हम इसको कर देंगे नीचे लगा देंगे तो हमने ये फिर ऊपर की तरफ उठा लेना है, जब हमारा ऊपर उठ जाएगा बिल्कुल टाइट हो जाएगा, ये साथ में हिलेगा नहीं, ये हमारा डस्टिंग, ये हमारा हो गया, ठीक है। और इसके बाद इसको हम टाइट कर लेंगे, ये बिल्कुल चाबी का काम करता है, इसको पीछे करके फिर टाइट कर लेना, जैसे ये मैं कर रहा हूँ। दोस्तों ये हमारा टाइट हो गया, इसके बाद क्या करेंगे, हमने ऊपर का ये लगाना है, ये देखिए ये है इसके साथ, ये हमारे ब्लेड की सेफ्टी के लिए जितना भी हमने करना, ये हम क्या करेंगे पहले इसको ये खोल लेंगे। ये हमने खोल लिया, ये इसका विंग्स है, इसके साथ हम लगाएंगे, ये देखिए ये इसके अंदर हमने फंसाना है, ठीक है, ये लग गया हमारा, और इसके अंदर फंसा लेंगे और इसको टाइट कर देंगे, ये हमारा लग गया। हमने यहाँ भी इसको स्टे करना है तो हम वहाँ इसको रोक लेंगे, अब हम इसको लगाएंगे, ये देखिए ये लग गया हमारा। अब जितनी हमने लकड़ निकालनी है तो उसी हिसाब से भी हम इसको कम बढ़ती कर सकते हैं, जितनी हमारी लकड़ जितनी है, ठीक है। अब इसको पीछे करना है तो ये मैंने पीछे कर लिया, ठीक है, ये सेफ्टी के पर्पज़ के लिए। अगर इसको डाउन करना है, ये मेरा डाउन हो गया, ये हमने इतना डाउन कर लिया, अब मैं इसको पीछे कर लेता हूँ, यहाँ करता हूँ। दोस्तों हमने फिट कर दिए, ये नीचे का वो डस्टिंग का भी कर दिया, ये भी कर दिया सेफ्टी के लिए। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, जिस टाइम मैंने ये लगा रहा था ये मैंने प्लग निकाल लिया था, अब इसको ऑन करते हैं, ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं।
दोस्तों इसकी फिनिशिंग देखो कितनी ज़बरदस्त आई है, बड़ी ज़बरदस्त। अब मैं आपको राइट एंगल भी दिखाता हूँ आपका, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। दोस्तों छोटे मोटे कामों के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, बड़ी पावरफुल है ये, बड़ी ज़बरदस्त। जैसे कोई कोई अपना गिटार वगैरह बनाता है, जैसे छोटे पल्ले, जैसे अपना स्टूल वगैरह का काम है, खुरजियों का काम है, छोटे मोटे काम कोई भी आप बड़ा काम भी इसमें कर सकते हो। यानी कि बड़ी नंबर वन की मशीन है, इससे बेस्ट है नहीं। क्योंकि इंडिया के अंदर जोन से मैंने आपको बताया सतीश कुमार जी, ठीक है, ये उन्हीं के पास आपको मिलेगी इंडिया के अंदर, और बाकी किसी के पास नहीं मिलेगी, ठीक है। बाकी मैं इसके और भी आपको फंक्शन बताता हूँ, इसके अंदर नीचे से भी बताता हूँ थिकनेस अपने कितना जोन सा। इसके अंदर हमारा ये ऊपर का प्लेटफॉर्म है, ये 8 इंची का है, और जोन सी इसकी लंबाई है, मैं आपको पूरा जोन सी इसकी अपनी लंबाई है, ये है हमारी 29 इंची, ये 29 इंची की है, और ये हमारा जोन सा इसके साथ मिला है, ये 8.25 इंची का इसका प्लेटफॉर्म है, ब्लेड 8 इंची के डलते हैं, और ये जोन सी इसके साथ हमें प्लेट मिली है, ये मिली है हमें 21 इंची की, और ऐसे है 4 इंची की, ठीक है। इसकी कुल जोन सी यहाँ तक है, ये मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ तक 14 इंची है, प्लेटफॉर्म तक 14 इंची है, और इसके साथ मिला के ये हो जाती है अपनी 18 इंची। अब मैं आपको इसका वेट बताता हूँ, इसको मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। इसका जोन सा वेट है, एक आदमी इसको सिंगल जही कहीं भी मर्जी उठा के ले जा सकता है, एक आदमी, यानी कि दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने क्या करना है, नीचे से उठाना है इसको ऐसे, ना कि हमने प्लेटों पर से हाथ नहीं डालना है इसके, क्योंकि प्लेटें टेढ़ी हो सकती हैं, ठीक है। हमने इसको नीचे से हाथ डालना है ऐसे, इसको जहां मर्जी ले जाओ, ये देखो यहां मर्जी आप इसको कैरी कर सकते हो। ये हिल इलाकों के लिए सबसे बेस्ट है। अब जैसे ये मेरी मशीन गुड़गांव में पड़ी हुई थी, ठीक है, क्योंकि बड़ी वाली मशीन ऊपर जाती नहीं, क्योंकि 10-10, 11-11 फ्लोर के होते हैं, कोई लिफ्ट में भी ले जाए। ये दोस्तों यहाँ मर्जी उठा के ले जाओ, सबसे बढ़िया सबसे बेस्ट तरीका। तो जैसे सीलिंग चल रही है आजकल, ये बड़ी मशीन हम ले नहीं सकते, इसको काम किया अपने ले जाओ, जहाँ मर्जी अपने रखो, गाड़ी में भी जैसे मर्जी आप कैरी कर सकते हो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे बेस्ट। दोस्तों जिधर से हम रंदा मारते हैं उधर से हम राइट हैंड की तरफ का मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जिसके साथ ठल है इसमें सारी वो दिए दे रखी हैं, ये देखो ये 45 डिग्री तक चली जाती है, इसको जितना मर्जी जिस डिग्री पर मर्जी आप भांज सकते हो, आप रंदाई कर सकते हो। और ये राइट एंगल के लिए ये हम ये भी इसमें दे रखा है, ये यहाँ पर करके ये लॉक हो गई, ये टाइट कर दिया। और जो उनसे ये दो हैं, ये क्या है, ये उनसे ये वाली हम इसको प्लेट को नीचे करते हैं, क्योंकि हमारी जो इसमें रंधा रहते ये वाली प्लेट हमारी फिक्स रहती है, ये अप डाउन नहीं होती, ये हमारी प्लेट अप डाउन होती है। जब हम इसको नीचे उतारते हैं यहाँ से, ये देखो मैं नीचे उतार रहा हूँ, ये हम इनका लॉक लगा, ये मैंने लूज कर लिया, ठीक है, ये मैं नीचे उतार रहा हूँ, ये देखो ये नीचे उतर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, जिस टाइम हमने ये चलाना ऑन करनी है मशीन, हमने इस पर काम करना है, तो हमने ये लॉक कर लेने हैं, ये हमारे लॉक हो गए, ठीक है। जब हमने प्लेट फिर ऊपर नीचे करनी है, फिर ये हमने ढीले कर लेने हैं, फिर उसी के हिसाब से करना है। और हमने प्लेट कितनी ऊंची नीचे करनी है, थोड़ा सा मैं इधर घुमा के दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों ये इस पर पॉइंट बने हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैं करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये ऊपर नीचे जा रहे हैं, ये देखिए। अब मैं नीचे करता हूँ, ये मैं प्लेट नीचे कर रहा हूँ, ये उसी प्रकार ये आ रहा है, ठीक है। ये मेरे तो हो गए इधर के फंक्शन, अब मैं आपको नीचे का बताता हूँ, इसमें गेज में से हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब वही जो था डस्ट वाला हम लोग यहाँ लगाएंगे, ये हमें उतारने पड़ेंगे, फिर मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ कैसे हम गेज में से निकालेंगे। दोस्तों ऊपर के जो से हमने सेफ्टी के लिए लगाए थे, अब हम इसको उतारेंगे नीचे से गेज में निकालने के लिए, ठीक है। इसको हम फिर अब ऊपर ऊपर फिट करेंगे इसको, हम ये देखिए ऊपर हम कैसे फिट करना है। दोस्तों जो सा ये वाला पोर्शन है ना, जो सा ये वाला पोर्शन है डस्टिंग वाला, ये हमारा इधर से होगा जिधर से हम लकड़ को रंधते हैं, ये इधर की तरफ नहीं होगा ये, क्योंकि इसके अंदर ये लॉक है, जब तक ये नीचे नहीं जाएगा जब तक हमारी मशीन ऑन नहीं होगी, ठीक है। ये हमने इधर की तरफ लगाना है, ये देखिए ये मैंने लगा दिया। और हाँ दोस्तों, अगर किसी ने परचेज करनी हो सतीश कुमार जी से, तो हमारा तो आप नाम लोगे यूट्यूब चैनल का, तो आपको इस पर डिस्काउंट भी मिलेगा, बड़ा अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर यही है जो हम इम्पोर्टेड टूल्स वगैरह रखते हैं, तो इसमें और भी काफ़ी, यानी कि 10 इंची की भी आती है, जैसे 8 इंची की गेज की है, इसके अंदर 3-4 मॉडल आते हैं, जिस तरीके की आपको ज़रूरत है तो उस तरीके का आप ले सकते हैं।
तो इनसे फोन पर कॉन्टेक्ट कर लेना, ये आपको पिक्चर वगैरह उसकी भेज देंगे। दोस्तों गेजिंग के लिए ना यहाँ से लकड़ जाएगी, वहां से हमने रंदाई की है उधर से, तो डालनी लकड़ है हमने यहाँ से है, तो ये इन्होंने सारा मार्किंग दी हुई है कितनी आपको चाहिए, तो आप उतने पर बांध सकते हो। ये देखिए मैं आपको डाउन करके दिखा, हमने इसको लूज कर लेना है, ये देखिए जितने पर आपको बांधनी उतने पर आपने इसको कर लेना है, ये देखिए। और इसको जिस टाइम हम गेज में निकालें इसको हमने लॉक कर लेना, ठीक है। इसको इसके अंदर दोस्तों ये इसको आप पीछे भी कर सकते हो, आप जितना मर्जी यहाँ पर भी रख सकते हो, आप इसके लॉक कर लिए, ठीक है ना, इधर की तरफ पड़ता है, अब ये यहाँ पर आ रहा है, दिक्कत करेगा हमें, हमने क्या करना है इसको पीछे की तरफ इसको खींचना है ऐसे, और ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब हमने गेज में से निकालनी है, मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए, सवा दो इंची है दोस्तों, सवा दो इंची है दोस्तों। ऐसे जोन सी लकड़ है हमारी 8 इंची तक निकल सकती है, ठीक है, और ऐसे जोन सी हमारी निकल सकती है ये 5.25 इंची तक निकल सकती है, ठीक है, 8 इंची और 5.25 इंची तक, ठीक है। और दोस्तों एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा ऑफ का है, ये हमारा ऑन का है, जोन सा ये वाला स्विच है, ये वाला है, जैसे हमारी मशीन हम काफी देर तक चलाते हैं, गर्म हो जाती है, हीट मारने लग जाती है, तो अपने आप जो ट्रिप कर जाता है, ठीक है, ये अपने आप ट्रिप कर जाएगा। और दोस्तों इसके ऊपर जो से स्टिकर दे रखे हैं इन्होंने पूरा बता रखा है सेफ्टी के पर्पस का, तो ये आपने उतारने नहीं है, नीचे लिखा भी हुआ है, उन्होंने उतारने नहीं, ये कम से कम दो ढाई साल हो गए, मैंने अभी तक नहीं उतारा, ये देखिए ऊपर भी इधर लगेंगे, ये वाला भी नहीं मैंने उतारा और साइड वाला भी नहीं उतारा, ये देखिए ये आपने उतारने नहीं। और एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारी डस्ट नहीं फंसनी चाहिए, ये देखिए इसके एयर के लिए ब्लॉक्स बने हुए हैं, ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये हमारे कभी बंद नहीं होने चाहिए। और दोस्तों ये वाली बॉडी है, ये इसकी प्लास्टिक की है, जोन सा ऊपर का टॉप है ये अल्मोनियम का, और जोन सा इसके अंदर ब्लेड फिट होते हैं हाई स्पीड के, दो ब्लेड हैं इसके अंदर। दोस्तों साइड में इन्होंने वायर लपेटने के लिए भी दे रखा है, तो आप वायर यहाँ लपेट सकते हो। दोस्तों एक बार मैं आपको नीचे से भी दिखा देता हूँ इसकी मोटर, ये देखिए 1.5 किलोवाट लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये नीचे से ऐसे नजर आती है, नीचे से ओपन रहता है क्योंकि एयर वगैरह मिलती रहे इसके अंदर, और ये इसमें प्लास्टिक के बफर रखे बैलेंस के लिए, धड़कन नहीं होती इसके अंदर, बड़ी सोन चलती है इसकी, बॉडी बैलेंस बड़ा जबरदस्त है। दोस्तों मैं आपको इसका मशीन का मॉडल नंबर भी बता देता हूँ, कैश का नाम है ये JPT8BM, ये इसका मॉडल नंबर है, ठीक है ना, ये इसका वेट लिखा हुआ है 28 kg की, ये इसका लिखा हुआ। दोस्तों ये मैंने आपको जो सा अच्छी तरीके से समझाया, ये आपको कैसा लगा, ये फर्स्ट जो सा यूट्यूब चैनल है जो सा इंडिया में आपको ये मशीन मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी शैडो पर रहती है, क्योंकि यहाँ पर वर्कशॉप पर इसका काम नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था शुरू में, ये शैडो पर रहती है, और जिनसे मैंने ली है ये जितने खूबसूरत ये टूल्स बेचते हैं सतीश कुमार जी, उतने ही खूबसूरत ये खुद हैं। कभी भी आपको इनसे डील करनी हो तो इनका मैं फ़ोन नंबर सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, व्हाट्सअप नंबर भी नज़र आ रहा है, तो इनसे जितने भी आप इम्पोर्टेड टूल्स वगैरह है, चीसल वगैरह है, तो आप हर एक कोई टूल इनसे आप ले सकते हो। दोस्तों के जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में कि मैं लास्ट में इसका रेट आपको बताऊंगा कितना, जैसे मैंने 2019 में ली थी, मुझे 42 की पड़ी थी, अब ये कम से कम इतना टाइम हो गया इसको, तो अब ये इस टाइम पड़ रही है 50,000 की, ठीक है, तो मैंने उसको फ़ोन करके पता किया है अभी ये कितने की पड़ेगी, तो उन्होंने बोला 50,000 की पड़ेगी, क्योंकि इसका डॉलर का रेट भी काफ़ी बढ़ चुका है। तो आपने ज़्यादा दोस्तों वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है, और कमेंट बॉक्स में बताना आपको वीडियो कैसे लगी है, ठीक है। और मेरे जितने भी कारपेंटर भाई हैं, आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि हर एक कारपेंटर के भाई के पास ये वीडियो पहुँचनी चाहिए, तो आपका जो सा प्यार मुझे मिल ही रहा वो तो आप दे ही रहे हो, तो इस वीडियो को भी आपने प्यार देना, तो अगर आप ज़्यादा मुझे प्यार करोगे तो ऐसी मैं इंपोर्टेड टूल के ऊपर और वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है।